हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? बढ़िया हो गए? तो आज हम आए हैं एक और आपके सामने रिव्यू लेके पहाड़ों पे। पिछले वाले को आपने बहुत प्यार दिया, अच्छा लगा, तो मैंने कहा एक और बनाया जाए। और साथ में मेरे टियागो के ओनर शुभम नेगी और ये इको स्पोर्ट्स के ओनर साहिब से। इनकी सूरत देखो, सूरत से इको स्पोर्ट मैच ही नहीं हो रही। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और रिव्यू और इको स्पोर्ट का। तो इसका बारे में बताते हैं कि पहाड़ों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एवरेज वगैरह क्या रहता है यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको गाड़ी के बाहर से दिखाता हूँ कि कैसे। ये इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट मॉडल है जो 2019 में आया था और इस गाड़ी को करीब एक साल हो गया है और 15,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो आप पहले गाड़ी देखो, उसके बाद करते हैं आगे की बातें। तो गाइस, ये जो गाड़ी है ये भी मेरी फैमिली की है, इसलिए मैंने भी बहुत चलाई है ये। तो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो चलते हैं। तो गाइस, उससे पहले मास्क हमने आज भी नहीं पहने क्योंकि यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा। लेकिन आप भी कहीं जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाइए। हम भी अभी यहाँ से जब वापस जाएंगे तो मास्क लगा के ही जाएंगे। और फालतू में घर से बाहर मत निकलिए, बहुत वेला और वहाँ देख लेना। तो गाइस, कुछ इस तरीके का आपको उसका फ्रंट लुक मिलेगा जो फेसलिफ्ट इको स्पोर्ट आई थी। इधर आपको ग्लॉस ब्लैक ग्रिल मिल जाएगी जो हर वेरिएंट के हिसाब से अलग आती है। बेस मॉडल में ग्लॉस ब्लैक आती है, ऊपर जाएंगे तो सिल्वर एंड क्रोम का काम आता है। साइड में आपको एक ये हाउसिंग मिलेगी जो लगती है ऐसी जैसे फॉग लैंप होगी, लेकिन इसमें फॉग लैंप नहीं है। साइड में इंडिकेटर्स मिलेंगे। ऊपर हेडलाइट यूनिट मिलती है आपको हेलोजिन में, 12 बैरल जो हेडलाइट है, एक डिपर के लिए, एक अपर बीम, एक लोअर बीम, जो भी है। तो कुछ इस तरीके का आपको लुक मिलेगा आगे से। तो साइड में आपको 15 इंच के टायर्स इसमें मिलेंगे जो जिसमें व्हील कवर आते हैं, क्योंकि बेस मॉडल है। टॉप मॉडल है अगर आप लेंगे टाइटेनियम या टाइटेनियम प्लस तो उसमें अलॉयज मिलेंगे। इधर मिरर में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं और ये मिरर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल नहीं है। साइड में कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दरवाजे में नहीं है। कुछ इस तरीके की साइड की लुक आती है। नीचे आपको रिवर्स लाइट मिल जाएगी और ऊपर जो नॉर्मल आपकी बल्ब यूनिट आती है टेल लैम्प के लिए। इधर ये लाइट नहीं है, क्रोम हैंडल है। इसके नीचे आपको बूट खोलने के लिए बटन मिलेगा, उसे प्रेस करके बूट खुल जाएगा। और खुलने के बाद 352 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिलता है जो अपने सेगमेंट में अभी तक सबसे ज़्यादा है। इसके राइवल्स ऑफर इससे कम ही करते हैं। जो अब किया सोनेट आने वाली है उसमें 392 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलेगा। तो गाइस, कुछ ऐसा आपको इसका फ्रंट डोर का लुक मिलेगा। इधर लॉक एंड लॉक स्विच मिलेंगे। इधर ट्विटर की प्लेसमेंट के लिए जगह है, लेकिन ट्विटर इसमें आते नहीं है बेस मॉडल की वजह से। चारों पावर विंडो आपको मिलेंगे और मिरर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स को। आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलेगा जिसमें 1 लीटर की बॉटल आ जाती है और इधर भी 1 लीटर की बॉटल आप इजीली डाल सकते हैं। तो मतलब काफ़ी स्पेस मिलेगा आपको डोर पैड में। डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ ऐसा आपको उसका लुक मिलेगा। अभी मैं इसकी चाबी ऑन करके आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कैसा लुक आता है। तो कुछ ऐसा लुक आएगा। तो इधर आपको वो MID को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स मिलेंगे। ऑडियो कंट्रोल के नहीं है स्टीयरिंग में। इधर MID में आपको जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सब दिखाता ही है, जैसे ड्राइवर डोर ओपन है। अभी मैं इसे बंद कर दूंगा तो टेल गेट ओपन का आएगा। अब पैसेंजर साइड ओपन है, अब टेल गेट का आ जाएगा, तो ये सब दिखाएगा। काफ़ी मतलब सिंपल सा इसका मीटर है, थोड़ा इसी में वोट को करना चाहिए था। ये चीज़ मुझे पर्सनली थोड़ी पसंद नहीं आई। तो इंडिकेटर्स के स्टॉक मिलेंगे इधर, वाइपर्स के, और हेडलाइट के स्विच आपको इधर से मिलेगा घुमा के। मैनुअल AC आता है इसमें, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और कुछ ऐसा बीच का लगता है, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। और ये पैसेंजर साइड डोर, इधर आपको एक लैंप मिल जाएगी। इधर कुछ पेपर्स हैं, वैनिटी मिरर नहीं आता और ये तो खाली है। कुछ ऐसी आपको इसके सीट्स मिलेंगी, इसमें अभी हमने कोई भी सीट कवर वगैरह नहीं चढ़ाए हैं। तो और इधर आपको जो हेडरेस्ट मिलेंगे ये भी एडजस्टेबल हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है फोर्ड की तरफ से कि बेस मॉडल में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं चारों। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं कि 15,331 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है ये और एक साल हो चुके हैं इसको। तो गाइस, अगर अब इसकी बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये गाड़ी। जो नया इंजन आया था 1.5 लीटर का ड्रैगन इंजन था, जो भी था वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा पुल करता है।
रही बात साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो केबिन में आपको ऐसी कोई साउंड सुनाई नहीं देगी क्योंकि मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखना 1 2 3 तो हल्का सा गाड़ी वाइब्रेट करती है जब आप सेल्फ देते हैं, उसके बाद ना कोई आपको वाइब्रेशन इसमें स्टीयरिंग में फील होगा ना कोई गियर लीवर में, उधर को भी देख सकता है। अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, आपको कोई साउंड वगैरह नहीं सुनाई देगी, स्टीयरिंग वगैरह में कोई वाइब्रेशन आपको ऐसा नहीं दिखेगा ना गियर लीवर में आपको मिलेगा। कर लेते हैं इसके फ्यूल इकोनॉमी की कि ये क्या एवरेज देती है, तो मैं आपको इसका एवरेज दिखाता हूँ कि डिस्प्ले में क्या दिखा रहा है। 13.7 का आपको एवरेज दिखा रहा है डिस्प्ले में, तो ये जो 13.7 का एवरेज दिखा रहा है ये भी एक्चुअल एवरेज नहीं है, एक्चुअल में एवरेज इसका 13 के करीब आता है। यहाँ ये गाड़ी क्योंकि थोड़ा रफ भी चलती है, जहाँ रोड है नहीं है उससे कोई नहीं, गाड़ी चलती वैसी है, तो 13 का एवरेज दे रही है, तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 13 का एवरेज तो बुरा नहीं है। सही कह रहा है लड़का। ये बेचारे से पूछो 11। और जो एवरेज की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग ज्ञानी जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो एवरेज आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप पहाड़ में ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी प्रॉपर पहाड़ में सिटी वगैरह में, तो आपके जितने ये 2000 RPM से नीचे गियर चेंज करने वाले एस्थेटिक वगैरह होते हैं सब फेल हो जाते हैं। यहाँ गाड़ी अगर हम कहीं चल रहे हैं तो मतलब पहला और दूसरा गियर तो आप ये समझे ही नहीं कि 2000 RPM के नीचे डल जाएगा, क्योंकि गाड़ी का मोशन बनाना होता है करीब 2500 से 3000 RPM के बीच में पहला दूसरा गियर शिफ्ट होगा, उसके बाद गियर चेंज इतने रहते हैं ट्रैफिक वगैरह होता है, तो ज्ञान मत लगाओ कि ऐसे चलाओ हमें चलाना मत सिखाओ। तो गाइस अब मैं इसको चलाता हूँ और आपको चलाते चलाते बताता हूँ कि किस तरीके का इसका स्टीयरिंग ब्रेकिंग वगैरह है गियर शिफ्टिंग वगैरह। तो सही कह रहा लड़का। ये पागल हो गया। तो गाइस अब चलते हैं आगे को और देखिए कुछ ऐसी जगह में हम आए थे, तो इधर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का मजा भी आपको मिलेगा, थोड़ा इसका जो सस्पेंशन आपको मिलेगा थोड़ा सा स्टिफ है क्योंकि इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, उसकी वजह से उन्हें करना ही पड़ा, तो वो ऐसा कोई इशू भी नहीं आता है, और गाड़ी में 15000 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई नॉइस वगैरह है नहीं। तो अब आ गए हैं रोड पे, तो अब चलते हैं देखते हैं इसका पुल कैसा है। आपको सीट बेल्ट लगाने में फिर भूल गया था, तो गाड़ी पुल बहुत अच्छा करती है, और इसमें भी वही है कि 3000 RPM के बाद आपको जो है साउंड थोड़ी सुनाई देगी इंजन की। मेरा पैसेंजर भी सीट बेल्ट लगाना भूल चुका है। तो पुल काफी अच्छा रहता है क्योंकि पुरानी जो इंजन पुरानी वाली कुछ फुट में इंजन था, जैसे हम तीसरे गियर में चल रहे हैं थोड़ी सी चढ़ाई आई हमने एक्सीलेटर दिया गाड़ी पुल नहीं करती थी वो, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता, आप एक्सीलेटर में पैर रखेंगे और गाड़ी खींच लेगी। कुछ इस तरीके की रोडें हैं तो इनमें 2000 RPM के नीचे गियर चेंज करना तो आप एक्सपेक्ट करें ही ना, और आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर तो अभी आप देखेंगे जैसे मीटर के RPM अभी इतना मोशन भी नहीं बना है और RPM 2000 से ऊपर ही जा रही है, तो गियर चेंज अभी मोशन बना के करीब 3000 RPM में होगा, तो ज्ञान ना दो देख लो जो हम दिखा रहे हैं। तो गाड़ी का स्टीयरिंग वगैरह हैंडलिंग में तो मैंने भी पहले फोर्ड की गाड़ी अपने पास भी पर्सनली रखी है, तो हैंडलिंग में और ब्रेकिंग में मुझे फोर्ड से अच्छा कुछ लगा नहीं था, बहुत अच्छी हैंडलिंग है, इतना कोई लाइट स्टीयरिंग भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, मतलब बीच का ही है, काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा आपको क्या कहते हैं उसे कॉन्फिडेंस सा फील होगा गाड़ी को ड्राइव करते हुए हायर स्पीड में भी, और गाड़ी तीसरे चौथे गियर में भी ऐसे अब जैसे सीधी रोड आ गई तो अब हम चेंज कर सकते हैं 2000 RPM के नीचे, इससे पहले नहीं हो सकता था। इस तरीके से गड्ढों में भी आपको इतना पता नहीं चलता अगर स्पीड में हो गाड़ी तो स्टीयरिंग तो काफ़ी अच्छा है इसका, रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है, जितना आप काटेंगे उतना ही गाड़ी कटती है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, ABS वगैरह स्टैंडर्ड है इसमें, और गियर शिफ्टिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, कोई इशू नहीं आता गियर शिफ्टिंग वगैरह में। कुछ अगर प्रॉब्लम करते हैं तो वो होते हैं ये साइड के जो ए पिलर्स हैं, ये काफ़ी दिक्कत देते हैं मोड़ों पे, तो आपको ऐसे ऐसे टेढ़ा होकर देखना पड़ता है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो यही एक इशू आता है इसमें, सामने से इसका राइवल भी आ रहा है,
जैसे अब चढ़ाई आ गई है तो गियर हमें चेंज करना ही पड़ेगा, और ज्ञानियों 2000 से नीचे कहाँ गियर चेंज करूँगा मैं। इधर देखिए आप मीटर में देखेंगे तो 3000 आरपीएम तो गाड़ी पहुँच जाएगी, तब हम गियर चेंज करेंगे, तब मोशन पकड़ती है गाड़ी है, पहाड़ में कोई भी गाड़ी। तो गाइस जब आप इसमें बैठते हैं से ड्राइव करते हैं तो आपको काफ़ी कमांडिंग व्यू मिलेगा, आप रोड से थोड़ा ऊंचा बैठते हैं। बस अगर ये थोड़े जो पैनल्स हैं इसके, ए पिलर वगैरह, ये थोड़े पतले होते तो काफ़ी अच्छा रहता। और जैसे आपको पता है हर गाड़ी के पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव भी होते ही हैं, तो वो नेगेटिव मैं आपसे अभी बात करूँगा आगे चल के। अभी गाड़ी चलने में ऐसा कोई इशू वगैरह नहीं है, और फॉल्ट की सर्विस जो मिली है उसके हिसाब से भी, क्योंकि गाड़ी की दो सर्विस हो चुकी हैं, एक में ऑयल चेंज हो चुका है, एक में जनरल चेकअप, तो कैसी सर्विस मिली है हम उसके भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था गाड़ी में, क्या इशू आए थे, इशू सब गाड़ी में आ सकते हैं, कैसे सर्विस सेंटर उसके हैंडल करता है, कैसे डील करता है, वो बड़ी बात होती है। अब अगर बात करें इसके म्यूज़िक सिस्टम की तो अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट है मेरा फ़ोन, मैं आपको एक NCS प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए कैसी म्यूज़िक क्वालिटी है। आपने म्यूज़िक सिस्टम का सुना होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ऊपर तो मुझे अभी तक टाटा का ही लगा जो कंपनी फिटेड सिस्टम आए हैं। उसके बाद मुझे फोर्ड का सही लगा, फोर्ड की जो मेरी पहले मेरे पास फीगो थी उसमें तो काफ़ी अच्छा सिस्टम था, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा सिस्टम है, ऐसा कोई बुरा नहीं है। आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तो काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है, क्लियर आती है, ज़्यादा बेस आप नहीं देगा ज़्यादा ये, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपको टाटा का ही मिलेगा, उसके बाद फोर्ड का है। तो गाइस हर गाड़ी में जैसे आपको पता है कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते ही हैं, तो अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो मुझे इसमें लगा कि इसकी जो प्राइसिंग है, इसका जो ये बेस वेरिएंट है ये अभी आपको करीब 9 लाख का बैठेगा, और 9 लाख का आप पे कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको इसमें फ़ीचर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, आजकल तो म्यूज़िक सिस्टम भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 9 लाख में वर्थ है फोर्ड को, या तो इसके प्राइस घटाने चाहिए या इसमें कुछ फीचर्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि अब जो राइवल आ रहा है किया सोनेट, उसका HTK प्लस वेरिएंट जो आएगा वो भी इसी प्राइस रेंज में आपको इतने फीचर ऑफर करने वाला है जो अभी तक शायद ही किसी गाड़ी में होंगे। और आगे बात करें कुछ और कमियों की, तो पहले मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि ये जो पिलर है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा है, पहाड़ों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत दिक्कत देता है ये। साथ में जो क्वार्टर ग्लास है इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, पता नहीं क्यों दे रहा फोर्ड ने, खाली पैसे बढ़ाने के लिए। और आगे बात करें तो इसकी कुछ प्लास्टिक जो क्वालिटी, आपको पूरा ही हार्ड प्लास्टिक मिलता है, 9 लाख आप दे रहे हैं तो मतलब इस तरीके का ऑल ब्लैक केबिन मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। और ये स्विच वगैरह इस तरीके के थोड़े अच्छी क्वालिटी के भी दे सकते थे, ये तो मेरी सेम K10 में भी ऐसी है, सेम दोनों स्विच, ऐसा लगता है उससे उठा के यहाँ डाल दिए हैं। एन क्लस्टर है वो काफ़ी पसंद नहीं आया, मतलब ठीक है काम चलाने के लिए लेकिन इतना मुझे पसंद नहीं आया। जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट होते हैं उसमें बड़ी MID आती है तो वो फिर भी अच्छे लगते हैं, एक रिंग इधर आता है तो वो अच्छा लगता है, तो लेकिन ये बड़ा सिंपल सेट दे रखा है, वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात है लेकिन मुझे पसंद नहीं आया।